गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनात्माओं, हम इन बातों को एक देख करके रूटीन मान लेते हैं, ऐसा होता है। क्यों होता है? इसके कारण तक हम पहुंचते नहीं, हम भगवान की महिमा करते नहीं, उनके गुण नहीं गाते, शुक्र नहीं मनाते दाता का। अब कितना दयालु है वो परमात्मा, माँ के सतन में दूध बच्चे के बाहर आते ही इतना दे दिया, पियो और जूठा छोड़े। अब तो खैर ये आहार कुछ बिगड़ गए, पहले अच्छे दूध दही के खाने होया करते थे और माताओं का इतना दूध होया करता कि बालक पे पिया नहीं जा करता और दूसरे बच्चों को पिला करते, क्योंकि दूध ज्यादा होता माँ के सतन में। और परमात्मा कहते हैं ईब तू ठेकेदार बन गया, आप अब स्वयं ठेकेदार बन गया। मैं ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने 10 एकड़ जमीन मोल ले दी, मैंने एक फैक्ट्री लगा दी। ये भी भूल है आपकी, एक ही माँ के एक ही माता पिता से जन्म लिए हुए बहन भाइयों की न्यारी न्यारी तकदीर किस्मत है। एक तो IAS ऑफिसर है, एक हल जोत रहा है किसान है, और एक टीचर लगा है, एक वैसे मजदूरी कर रहा है। तो ये सब एक ही, जैसे एक ही माता पिता के गर्भ में जन्म हुआ, एक ही माता पिता ने एक जैसी उनको सुविधाएं देने की चेष्टा की, पर किस्मत न्यारी न्यारी फल गई। ये किसी का किया नहीं हुआ, सभी बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे IAS IPS बनते हैं, और बन जाते हैं तो कितनों को पोस्ट प्राप्त होती है। ये सारा कुछ आपके भाग्य में, आपका प्रारब्ध पहले ही बना के भेज रखा था। आपकी मृत्यु, आपको क्या कुछ मिलना है इस जीवन में, वो सब कुछ निर्धारित है। जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आएंगे तो फिर हमारे भाग्य में परिवर्तन होगा। कैसा होगा? कि हमारे जो अशुभ संस्कार हैं जिनके कारण हमें कष्ट होना है, वो परमात्मा की साधना से और उनकी परम कृपा से, कबीर जी की कृपा से, वो पाप कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जिनके कारण हमारे जीवन में संकट उत्पन्न होने थे, क्योंकि पुण्य से तो सुख होता है और पाप से दुख, तो वो दुख समाप्त हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, जैसे पहले फसल बीजते थे किसान, तो उसमें अड़ंगा 7 उग जाता था, घास उसके अंदर 7 ही खरपतवार उग जाता था, और गेहूं वो बीजने के बाद उसका कोई विकल्प नहीं था। पानी भी डालते थे, खाद भी डालते थे, तो अड़ंगा 7 पड़ा करता था, आधी खुराक खा जाया करता था। अब वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने ऐसी औषधि खोज दी है कि वो जल के साथ उस दवाई को डाल देते हैं, औषधि को, जब सिंचाई करते हैं, तो वो क्या करती है, घास को नष्ट कर देती है, खरपतवार को फूंक देती है और फसल को सुरक्षित रखती है। तो इसी प्रकार हमारे पुण्य और पाप रूप मिलकर प्रहार्द बना हुआ है, और ये नाम ये मंत्र पहले नहीं थे, जिस कारण से हमें दोनों ही प्राप्ति होती रही। जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलता रहा, हमने पुण्य किए वो अलग से डिपॉजिट, पाप किए वो अलग से जमा, तो उन्हीं में से जो संचित कर्म हमारे हैं, उन संचित कर्मों में से आपकी एवरेज निकाल ली जाती है, उसमें से कुछ पुण्य कुछ पाप मिला के आपका जीवन निर्धारित कर दिया जाता है। आप जी को दोनों ही भोगने पड़ते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी यही क्रिया है, और ऋषि महर्षि जिन्होंने भी साधनाएं की वो भी इसी विधान के अंतर्गत थे। ये मंत्र पहले ही हमारे सदग्रंथों में थे, कबीर परमेश्वर ने आकर बताए हुए थे, लेकिन हम इसकी खोज नहीं कर सके या औषधि बना नहीं सके थे।
तो इब इस दास पर कृपा कर दी परमात्मा ने, वो खरपतवार रूपी पाप नाशकरण की औषधि मिलगी और इस औषधि से आपके सब पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य नो के नो रह जाएंगे। तो जिन पापों के कारण आप जी को संकट आना था, अब सारी दुनिया दुखी हो रही है और साधना किया करते थे, क्योंकि वो साधना पाप नाशक नहीं थी और पाप नाश हुए बिना ये सुख नहीं हो सकता। अब जैसे पहले, अब भी ऐसा ही है, जो यहां नहीं आता उनकी, इसके अतिरिक्त सभी जगह यही है, किसी भी संत के पास जाइए, पहले तो आपको जंतर मंत्र बताओगा, आपको आपत्ति बताते हो तो उनको कहेगा कि ऐसे नाम जाप करो, इतना दान करो, ये यज्ञ कर दो, ये ऐसा कर दो, चाहे बताओ कुछ भी, वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा कि ऐसी क्रिया करो। जब उन क्रियाओं से आपको लाभ नहीं होगा, फिर वो कहेगा कि ये तो तेरे भाई भाग में लिख रखे है, ये तो तेरे प्रारब्ध में है, तने भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। अब पुण्य आत्माओं, हम परमात्मा की भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे भाग में कष्ट हो, दुख हो भाग्य में, और वो ना आवे, हमारे ऊपर कोई आपत्ति आनी हो वह टल है। और यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं और हमारे ऊपर जो बिजली गिर रही है वह गिर भी रही है, तो भक्ति कैसे करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। और यही कारण हुआ कि जिन साधनाओं को हम करते थे, आपत्तियां टली नहीं, टेंशन समाप्त हुई नहीं, तो हम अपराधी बन गए। कोई चोरी करने लग गया, कोई रिश्वतखोर हो गया, कोई दो नंबर का काम करे, कोई मिलावट करने लग गया। और टेंशन समाप्त करने के लिए गोटी पीने लग गए, या कोई सिगरेट, कोई तुम सुल्फा, कोई चरस या नशे की गोलियां खाने लगे, ये कोई टेंशन समाप्त करने के तरीके थोड़े ही है। आपने गुटी लाली शराब पी ली, पड़ गया तो घंटे दो घंटे, और जब नशा उतरते फिर वह टेंशन नहीं होगी ना, क्योंकि जिस कारण से वह टेंशन है आपको, आपको जो परेशानी है मानसिक, उस मानसिक परेशानी का वो कारण नष्ट हो, उसका समाधान हो, फिर वो टेंशन समाप्त होगी। तो वो उनके पास नहीं था। किसके पास नहीं था? किसी के पास भी नहीं था, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के पास था, वो समाधान नहीं था। जैसे किसी के पास दुखी जाता था, संत के पास वो जाते ही क्रियाएं तो अवश्य बताता था, कहता था चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जब कहीं आराम नहीं होता था तो लास्ट में यही कहता था कि भाई तेरे कर्म में लिख रखा है, ये तो उस प्रारब्ध में लिखा है, ये कट नहीं सकता, ये पाप नाश नहीं हो सकता। और उदाहरण देते थे कि जैसे भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया था, जिसके कारण भगवान विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में जन्म हुआ राजा दशरथ के घर पर, और सारा जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताया। फिर दूसरा श्री राम रूप में बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, उसका भी टिट फॉर टैट यानी अदले का बदला उसने देना पड़ा। विष्णु जी यानी श्री रामचंद्र जी कृष्ण रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ, और उधर से सुग्रीव का भाई जो बाली था वो एक शिकारी रूप में उसी के राज्य में उत्पन्न हुआ। अंत में श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, उनके पैर में पद्म था, शिकारी ने, वो शिकारी शिकार के लिए जंगल में मृग मारने के लिए घूम रहा था, वृक्ष की झुरमटों के अंदर से उसने देखा कि कोई मृग की आंख चमक रही है, हिरण की। उसने सोचा कि सारा दिन घूम लिया हूं, अभी तक कोई दोपहर से होगी है, अभी तक कुछ मिला नहीं, और कहीं मैं इधर से जाऊंगा, ये भाग ना जावे, उन वृक्ष की झुरमटों में कह, पत्तों में कह तीर मार दिया। श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म को मर्ग की आंख समझ के, विषाक्त तीर था, श्री कृष्ण जी के वो लग गया
करहाने लगा, जब जाकर देखा है तो मनुष्य मर गया। तब श्री कृष्ण जी से उसने कहा, भगवान मेरे से गलती होगी, मैंने तो ऐसे ऐसे धोखे से तीर मार दिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई तेरा दोष नहीं है, बालिया, बालिया नाम था उसका, जीमर का, वो दिमर यानी शिकारी का, कि अभी तेरा दोष नहीं है, ये तो तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब था। त्रेता युग में तू सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र रूप में था, जब मैंने तुझे वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर मारा था, मैं अपना तेरे को बदला दे चला, अब तू जा यहां से, भाग जा। तो पुण्यात्माओं ये उदाहरण दिया करते थे तो हम संतुष्ट हो जाते, वे सचमुच जब हमारे भगवान ने भी कर्म भोगने पड़े तो हम भी दुख पा लेंगे, लेकिन आत्मा फिर भी नहीं डटे थी, फिर भी कहीं ना कहीं किसी तीर्थ पर, कोई मंदिर में, मस्जिद में किधर न किधर जरूर जाते ही रहते थे, या किसी और संत के पास चले जाते थे, कुछ राहत मिले। हमें मालूम है कि भगवान कई भक्ति इसीलिए करते हैं कि कुछ हमें आने वाली आपदाएं टले। पुण्यात्मा, किसी के पैर में कांटा लग गया हो और उसके किसी से पूछे कि मुझे पैर में पीड़ा हो रही है, वो व्यक्ति ये तो बता दे कि तेरे पैर में कांटा लग गया है जिस कारण से तुझे पीड़ा हो रही है, और उसके पास उसको निकालने के साधन है नहीं, औजार नहीं है कांटा निकालने के, और वो ये कहे कि जूते पहन ले कहीं आगे और कांटा ना लग जाए, जूते पहन ले भाई, आगे कांटे ना लगेंगे, कांटा नहीं निकलेगा, कांटा तो लगा ही रहेगा। अपने आत्माओं, कांटा लगे पैर में जूते पहना नहीं जा सकते, वो तो कांटा निकले, इस डर से जूता पहना वो प्राणी है, भगवान कहीं फिर ना कांटा लग जाए, बहुत पीड़ा हो रही थी मुझे, और उस डर से वो जूता कभी नहीं निकाला जब सफर में चलेगा। तो पुण्यात्माओं, हमारे ये पाप कर्म रूपी कांटे जिनको लगे हुए हैं वो बहुत दुखी हैं, और उनको यहां आने से उनके ये पाप रूपी कांटे निकाल दिए जाते हैं, और फिर उनको बताया जाता है कि राम नाम दे दिया, इसको खंड मत करना, तोड़िए ना इस नियम को, इस नियम को तोड़ देगा अर्थात ने जूता फिर निकाल दिया, नाम टूटने से भक्ति बंद होगी, परमात्मा की राहत नहीं मिल रही, जूता निकल गया आपका, जूता निकलते ही फिर कांटे लग जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सफर में कांटे बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत पाप हैं आपके। तो जिस प्राणी के ऊपर आपत्ति है, भयंकर आपत्ति, जान जाने वाली हो, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर कर दे, बेटा बेटी वह, और वो सुखी हो जाता है, उसका जीवन दान मिल जाता है, फिर वो कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा, ना नाम तोड़े ना बुराई करे, वो फिर कभी इस डर से जूता नहीं निकालेगा, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा, हे परमात्मा कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, वो दुख फिर ना आ जाते रहे। तो ऐसे या भक्ति डटेगी या भक्ति ऐसे चलेगी पुण्यात्मा। अभी तक जिस भी संत ऋषि का इतिहास आपने देखा, उन्होंने यही बताया कि ये पाप कट नहीं सकते तो भोगने पड़ते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, भाई तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, कोई भी सत्संगी नहीं है, किसी के पास भी सत साधना नहीं है। परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम और तात कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। एक समय जब युधिष्ठिर जी को बुरे बुरे स्वप्न आने लग गए थे तो उसमें समाधान पूछा गया था श्री कृष्ण जी से, उसने बताया कि तुमने जो युद्ध में पाप करे हैं उन वो जीवात्मा तुम्हें सता रही है, युद्ध में जो हिंसा की थी, मनुष्य मारे थे, वो आत्माएं तुम्हें, वो प्रेत आत्माएं सता रही हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करो, बहुत समाधान बताया, करोड़ों रुपया लगा, लेकिन वो भी ना होया जब तक परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर सत भक्ति करने वाले वो भगवान वहां नहीं पहुंच गए, कबीर जी सुदर्शन रूप में
तब वो शंख बजा, युद्धसन की को वह प्रेत आत्माओं की पीड़ा बंद हुई, नहीं तो श्री कृष्ण जी के समाधान से तो वो यज्ञ भी सफल नहीं हो रही थी। विष्णु जी ने तीन ताप के अंदर किसी को जो ये आते हैं जो श्राप दे दिया, किसी ने श्राप दे दिया, देवता रुष्ट हो गया को पत्र प्रेत आत्मा सता रही है, या कोई सांप लड़ जा, कोई और जहरीला जानवर काट दे, तो वो परमात्मा की कृपा से वो भी असर नहीं हुआ करती जिनकी भक्ति सच्ची चल रही है। एक पिछले समागम पर एक माई आई, कहने लगी जी मेरे बेटे का सांप लड़ गया, सर्प ने काट लिया, वहां फिर दवाई नहीं ली। बोला ना जी मैं ना ली दवाई। मैं क्यों दवाई लेनी चाहिए भाई, चलो परमात्मा की दुआ भी और दवा भी दोनों काम जल्दी कराया करें। ने बोली अमनत ना लिया, भगवान से बड़ा कौन है, आपसे बड़ा कौन वैद है। मैंने सोची अब मारेगी छोरे ने, मैं कद लड़ा था वो, अब चौथा दिन है इतनी ठीक है। बोला ठीक है, तो पुण्यात्माओं इस तरह हमारा भी दिल मजबूत होता है परमात्मा, क्योंकि हमने थोड़ी सी ये चिंता बन जाती है कि इनका दृढ़ विश्वास ना हो और भक्ति ठीक ना हो तो दाव लग जाता है काल का। इसलिए हम जोर देते हैं कि दवाई जरूर लेना आप जा करके, कोई दवा फिर जल्दी काम करेगी पामाल की जो सत भक्ति और वह कमाई साथ है। तो कहने लगी ना जी मैं फिर क्यों चिंता कर, तीन दिन हो गए थे, अब डोंट वरी बेटी साथ है भगवान। तो ऐसे कहते हैं परमात्मा कि तुम कौन राम का जब तेजापम और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम, तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे तीन ताप भी नष्ट नहीं होते, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। अब आपको दिखाते हैं इन ऋषि महर्षियों की थ्योरी और सिद्धांत जो ये कहा करते थे कि पाप नाश नहीं होते। देखिए श्री मद देवी भागवत, श्री मद देवी भागवत ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपी और प्रकाशित हुई है, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, फोन और ये फैक्स नंबर है इनके। यहां देखिएगा पांचवा स्कंध प्रश्न नंबर 282 पे व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। व्यास जी कहते हैं कि एक बार इंद्र की और बृहस्पति देवताओं के गुरु की चर्चा हुई। इंद्र ने पूछा था कि क्या पाप नाश हो सकते हैं। अब देखना यहां पर 283 पृष्ठ पे अब क्या बताया है उसने, किसने, बृहस्पति जी कह रहे हैं। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्मशः पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। कहते हैं सुख तो आपके पुण्यों का नाश करता है, सुख जो आपको है, आपको जो सुख प्राप्त है आपके पुण्य ह्रास हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और जो दुख है इससे तुम्हारे पाप नाश हो रहे हैं। ये विधि है इन लोगों की, सुख और दुख ये दोनों कर्मशः है,
पुण्य एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद ही अनुभव करें। देखिए भी इनकी बात, पेट में दर्द हो रहा हो, नो का हंसता रहे, किलकी मारेगा पेट में दर्द, हंस कह कोई बोला सुख का अनुभव ही करे, आनंद का अनुभव करे। वो तो दवाई मिल रहा है, जड़ी बूटी चूर्ण हो उसके खाने से पीड़ा खत्म हो, जब वो सुख होए, ये तो कति अज्ञानी वाली बात है इनकी। कहते हैं अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए सुख के अभाव में, सुख के अभाव में दुख हो रहा हो, कहीं दर्द पीड़ा हो, कोई टेंशन हो, फिर भी नहीं हो गए आनंद ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। ठीक है, अरीब देखो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की आपको दिखाते हैं, ये चौथा स्कंद और 243 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त देवी भागवत है। व्यास जी कहते हैं प्रह्लाद की बात सुनकर, प्रह्लाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य यानी जो राक्षसों के गुरु हैं ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा दानो तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए, अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। ये कहता तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज महाशयो प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बताता हूँ, सुनो यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं, धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है, कुछ ही दिनों पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। लेकिन किया कल देखो यहां कह रहे हैं तुम्हें न तो डरना चाहिए और न ही पाताल में जाना चाहिए, अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। और फिर तुरंत ही फ्यूज हो गया, कहता है कि मैंने ब्रह्मा जी से एक बात सुनी है वो बताता हूँ, सुनो ये बड़वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य है और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती है, धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। और ये तुमने एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। यहाँ कह रहे हैं तुम चिंता ना करो, तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा, अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। पुण्यात्माओं इविन कित तरो है, एक तरफ तो कह रहा है कि तुम चिंता मत करो मैं अपने मंत्र से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, कुछ दान दक्षिणा का रोड़ा चौनी चाहिए ना, तो कुछ दान नो कह दे ना कुछ हो थारा फिर गुरु कैसे माने हैं। और फिर कन्हू को नहीं मैंने एक बात सुनी है कि ब्रह्मा जी इनके सब के मार्गदर्शक हैं और ब्रह्मा जी को सबसे बड़े विद्वान वेदों का मानते हैं ये लोग। कहते ब्रह्मा जी ने कहा है कि भाई प्रारब्ध कर्म तो भोगने पड़ेंगे, यानी पाप नाश नहीं हो सकते, ये तो पापों को तो भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है, ये इनका विधान है। और एक कलयुगी मैं ऋषि की ओर दिखाते इस दयानंद की जिसने सब तगना बट्ठा बैठा दिया, नास्तिक बना दिए। अपने आत्मा जब तक हम दूसरे के पैकेट में रखे माल को खोल कर नहीं देखेंगे तो तब तक हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या अंतर कर सकते हैं,
जिस भी पैकेट में माल रखा है उसको बाहर निकालेंगे और साथ में ओरिजिनल निकालेंगे, तो दोनों को देखकर डिफरेंस होता है, अंतर होता का पता लगता है। नहीं तो सब अपने अपने माल को उत्तम बताते हैं। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, अब इनसे हमारा मन दृढ़ होगा, आपका विश्वास दृढ़ होगा। ये है महर्षि दानंद जी, अब इनकी इस पोज ने देख के आम आदमी कुर्बान हो जाए इन पे, बड़े महापुरुष होंगे ये, तो भगवान से मिल लिए होंगे, इतनी कसूती अदा से बैठे। और आगे इनका देखना, ये है अथ सत्यार्थ प्रकाश है, इसके विषय में लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण है। ये संधि विच्छेद जब करते हैं ना, सद यो छह द बन जाता सद, और शास्त्र प्रमाण है संविन्त है। किसने लिखा, कहते हैं इस वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसके अंदर समावेश किया गया है, उनके आधार से इसको लिखा है। किसने लिखा है, श्रीमत महर्षि दानंद के आज्ञा और पाचे उपाधि ला रखी है, श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी सरस्वती स्वामी विरचित है। ये देखिएगा प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीना नगर, पंजाब। ये कहां से छपा है, मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके साथ में सकंद में ये देखिएगा, इसके कितना गलत विधान था, कितना ज्ञानी था ये महर्षि दानंद। 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया है, प्रश्न ईश्वर साकार है वह निराकार, उत्तर है स्वामी जी का कि वो निराकार है। 155 पर देखना सप्तम समुल्लास में किसी ने प्रश्न किया, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं, उत्तर महर्षि दानंद का करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी जो पाप से कारण दुख है उस दुख का नाश कर देगा, पाप नष्ट कर देगा। उत्तर स्वामी जी का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, फिर किस लिए करें। उत्तर स्वामी जी देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा भी वो क्या है फिर वो फल जो पाप नाश तो करता नहीं, फिर और के लाभ है भक्ति से। स्वामी जी कहते हैं, दानंद जी का उत्तर है, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्भिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह, उपासना से परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म से भी दूसरे भगवान से मेल और उसका साक्षात्कार, माने कति प्रत्यक्ष सामने दिखाई देना, उसका साक्षात्कार होना। यहाँ तो कह रहा है भगवान निराकार 154 पृष्ठ पे, और यहाँ कह रहा है उपासना से परब्रह्म से मिलन हो जा। बिना निराकार तो मिल लेगा कि तो सर्वव्यापक कण कण में है, तो वैसे भी मिला हुआ है, तो परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। पुण्य आत्माओं, ये तो विधान है इन नकली ऋषि में ऋषियों का कि पाप कर्म पाप नाश नहीं होते,
साधना से और फल हो जाता है। और क्या हो जाता है, भगवान से मिलन। अरे पापी आत्मा और भगवान से मिल लेगा, परमात्मा पाए गया उसने, फिर जरूरत की रहेगी पाप के खत्म करने की और बुराई छोड़ने की। परमात्मा को पाने के लिए पाक साफ होना पड़ेगा और उस पाक साफ होने के लिए हम ये क्रियाएं कर रहे हैं। अब स्वामी दयानंद जी का विधान ऐसा है, जैसे किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा हो वैद्य का, डॉक्टर का, और वहां कोई व्यक्ति जाता है और उसे प्रश्न करता है कि वैद्य जी मुझे ये बीमारी है और क्या औषधि खाने से ये रोग कट जाएगा। यो वैद्य ये उत्तर देवे कि नहीं, औषधि रोग नाश नहीं करती। अब वो रोगी ने पूछा भी फिर औषधि खाने का लाभ क्या हुआ, औषधि किस लिए खावे, खानी चाहिए किस लिए खावे, कि औषधि से पहलवान बन जाएगा, रोग तो कटे नहीं पहलवान बन जाएगा। अरे फूटे बाग तेरे जान जान न हो रही है, वो पहलवान बनावे, यानी वो वैद्य नहीं है। बिस कितनी बड़ी फीत ला रखी और कितना बड़ा बोर्ड ला रखा उसने, वो वैद्य नहीं है। यदि कोई ये कहे क्या साबुन कपड़े के मैल नाश कर देगा, मैल छुड़वा देगा, और किसी ने बड़ा बोर्ड लगा रखा हो थोक विक्रेता साबुन का, और वो उससे कोई पूछे कि हे थोक विक्रेता साबुन के, क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, छुड़वा देगा, और वो कहे कि नहीं साबुन कपड़े के मैल नाश नहीं करता, तो प्रश्नकर्ता स्वाभाविक है पूछेगा फिर भी साबुन लगाने का यूज क्या, क्या लाभ है उससे, और लाभ है। क्या लाभ है कि साबुन से कपड़ा मजबूत बन जाएगा। तो क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है, उसने कभी जीवन में साबुन देखा है, कभी नहीं, यूज करना तो दूर की बात है। तो इससे सिद्ध है कि ये नकली ऋषि महर्षि थे, इन्हें क्या इनका ज्ञान नहीं था, और ये सुखी फीत लगा रखी थी इन्होंने ऋषि और महर्षि की। हमारे जैसे कहते हैं, परमात्मा कहते हैं अंधे की बांगई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, ये भी ज्ञान इन थे लेकिन ये चतुर थे, और हम अंधों की यानी ज्ञानहीनों की उंगली पकड़े हुए, हाथ पकड़े हुए चल रहे थे, आ जाओ मुझे सब दिखाई देता चलो, तो गड्ढा गमे का ले जाते कांटे लगवे, लगते ही आने दो आने दो। तो ऐसे ये व्यक्ति थे। अब हमारे वेद जो है, इन वेदों को ये सत्य मानता है, महर्षि दयानंद कहता है वेदों में जो ज्ञान है वो सत्य है, वेद जो है वेद सत्य ज्ञान की पुस्तक का पुस्तक है। अब वेद क्या बताते हैं ये देखिएगा, यजुर्वेद, और इसका अनुवाद करता भी यही है। अब ये यजुर्वेद है, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ में इन्हीं के द्वारा अनुवादित में ये 13वां मंत्र है। इसमें लिखा है, ये संस्कृत है, देव कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, एनस्य एनस्य एवजनमसि। अब इसका अनुवाद इन्होंने किया है स्वामी जी ने, ४४२ पृष्ठ पे।
हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अब यहां अपनी उस अज्ञान सोच को ऊपर रखने के लिए परमात्मा ना लिखकर मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाले ये सोचा करते थे ये कोई मित्र के बारे में लिखा है, क्योंकि ये सत्यार प्रकाश मत वो कहता है भगवान पाप नाश करता ही नहीं, तो ये कोई मित्र के बारे में लिख दिया। तो इसलिए इसमें भी पढ़ने वालों ने, पाठकों ने अनुवाद होने के बाद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक बार इस दास ने यही यथार्थ ज्ञान समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अपने भक्तों की पैसे की कोष्ट से और समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए, और उनमें ये स्पष्ट लिखा कि सत्यार प्रकाश में महर्षि सिद्धांत कहते हैं पाप नाश नहीं होते और वेदों को सत्य मानते हैं, और उन्होंने खुद अनुवाद भी किया है और वेद कहते हैं कि वो घोर पाप भी नाश कर देता है परमात्मा। ये आचार्य लोग थे जो आर्य समाज के, ये क्या उत्तर देते थे कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में वो तो मित्र के बारे में लिखा है। तो भोली जनता महर्षि दयानंद को से ज़्यादा प्रभावित थी और इस करके ये सोचा करते थे रामपाल तो अशिक्षित है, वो ऐसे कहा करते थे ये आचार्य लोग झूठे कपटी कि रामपाल को क्या पता वेदों के बारे में, वो तो अशिक्षित, उसको संस्कृत भाषा नहीं आती है और वेदों में कहीं ऐसा नहीं लिखा। फिर मैंने समाचार पत्रों में निकाला ना फोटो कॉपी करके, फिर उन्होंने ये तड़कमबाजी लगा दी कि वो तो मित्र के बारे में लिखा है भगवान के बारे में नहीं। अब इससे फिर इन्हीं की चाल को इन्हीं से ख़त्म किया। सत्यार प्रकाश में महर्षि सिद्धांत प्रथम समुलास में कहता है कि मित्र का अर्थ परमेश्वर जानो। ये देखो ये वही सत्यार प्रकाश है और एज इट इज इसके प्रथम समुलास के प्रश्न नंबर 18 पे, ये प्रथम समुलास है। सत्यार प्रकाश प्रश्न नंबर 18 प्रश्न यहां देखेंगे, जो सबसे स्नेह करे सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब आगे बात ठिकाना है, अभी आपने महर्षि दानंद द्वारा ही डिफाइन किया गया है, वो देखा सत्यार प्रकाश में कि वो जो सबसे स्नेह करे वो सबका मित्र है, इसलिए परमेश्वर का नाम मित्र भी है। तो यहाँ इसने वो ही मित्र लिख दिया कि आने वाले समय में कोई पढ़ेगा तो आगे चल शिल्प कर जाएगा कि तो मित्र के बारे में लिखा है। सत्यार प्रकाश में महर्षि दानंद ने जो ज्ञान दिया है वो वेदों अनुसार ही है ये माना करते थे, इसलिए इसकी बिक्री बहुत हुआ करती थी। अब इसकी सच्चाई का पता लग गया, इसने कोई ना खरीदता, इसी कारण से इन्होंने क्रोथा कांड करवाया हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बहका के, झूठ साच बोल के हैं, और ये कितना बड़ा दोष करवा दिया। 21 महीने ये परमात्मा का सतमार्ग बंद करवाया, तो इनको घोर पाप लगेगा, इनकी ऐसी दुर्गति होगी याद रखेंगे आप देख लेना। तो कहने का भाव ये थी इन्होंने इसलिए ये बकवाद करी कि इनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी और समाचार पत्रों में भी इनकी चले थी, मुख्यमंत्री के प्रभाव से समाचार पत्रों ने भी नरे गपोड़ झूठ बोल दिए, फिर सच्चाई सामने आई। अब देखो जनता फिर उमड़ के दोबारा परमात्मा के चाहने के लिए, परमात्मा पाने के लिए आने लग रहे हैं। तो सच्चाई को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तो अब ये सामने आगे देखो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको महर्षि दानंद इस नकली ऋषि दानंद द्वारा अनुवाद ही दिखाते हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, इसने खुद एनस्य माने
एनस से माने पाप अर्थ किया है, पाप कहो अपराध कहो। दान देने वाले के अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस से माने अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो। विरोध आचरण नहीं है ये, एनस माने पाप के ही, पिता के किए हुए पाप को भी आप नाश करने वाले हो। अपने किए हुए एनस माने पाप के दूर, अवजन माने नाश करने वाले हो, नाश करने खत्म करने वाले हो, दूर करने वाले हो। एनस अनस अधर्म के अधर्म के यानी घोर पाप के भी नाश करने हारे हो, एव जनमन नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एन समान्य पाप के, उस सारे पाप के, जिन्होंने दुष्ट आचरण लिखा है, दूर करने वाले हैं। अपने आत्माओं क्या बताया करते थे भगवान, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये जो जिसको सफेद मोतिया बंद आंखों में हो जाता है, उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, नपट अंधा होता है। और ऐसे ही ये महर्षि दिखाई दिया करती, ये कति ज्ञान नेत्रहीन थे, इनको वेदों का कैखे का पता नहीं था। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यह ज्ञान दिया था, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदर, सब दिखत के तो नैन चम इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये दिख विद्वान महर्षि, इसके संस्कृत जाने थे, है पी का दड़ी दूध और पहले जाते डंड कुर्ता काट के बैठ जाते, धूप में या छाया में सर्दी में, लोग ने सोचा बड़ा विद्वान ये जोटे बार बैठे ने सर्दियों में, कितना पार होते कोई वस्त्र पहन रहे ना। तो ऐसे हम प्रभावित होते रहे इनकी अटपट खटपटते, और इनको कह कह का पता नहीं था। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, वैसा उड मुल मुल खासा गल मोतियों के हार, वैसा उड मुल मुल खासा गल मोतियों के हार, पतिव्रता को मिले न खाती ये सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, सचों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन
धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार निरंजन धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार कह कबीर सुनो भई साधो या सब उलटा व्यवहार कह कबीर सुनो भई साधो या सब उलटा व्यवहार सच्चों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार जहां पर तनिक ना न्याय विचार। पुण्यात्माओं, परमात्मा का सुख संवेद, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान सभी सदग्रंथों से मेल खाता है जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने लिपिबद्ध करा था। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने गासे। वो परमात्मा कहा करते थे कि भई इस सच्चे नाम के जाप तय जो हम मंत्र आपको दे रहे हैं, इस सतनाम के, सतनाम दो अक्षर का मंत्र होता है, उसमें एक ओम अक्षर है एक तत्, ये सांकेतिक है, इनके जाप से। कहते जब ही सतनाम हृदय धरो यानी सच्ची कसक से जाप शुरू कर दोगे सच्ची लगन से मर्यादा में रहते हुए, और भयो पाप को नासे जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराण घास, एक चाहे 100 क्विंटल 1000 टन सूखा घास पड़ा हो पत्ती फूस पराल और वह कितना जाने कितने क्षेत्र को खराब करें बैठी है उसने ढेर लग रहा है, उसमें एक माचिस की सींक तिल्ली चिंगारी लगा दे उसमें सारे ने फूक के राख कर देगी। और इतना बड़ा वो ढेर था वो इतना को जाएगा और फिर चलेगी हवा आंधी तेज पता नहीं कहाँ कहाँ काम मारेगी पटक कर उसने हो गया मैदान साफ। तो कहते हैं परमात्मा कहा करते जो सच्चे नाम का जाप पूरे गुरु ते लेकर मर्यादा में करोगे तुम्हारे सारे पाप ऐसे नाश हो जाएंगे जैसे टनों हजारों टन सूखा घास पड़ा और उसमें एक सींख लगा दे तिल्ली चिंगारी, ऐसे सब पाप नाश हो जाएंगे। तो इस प्रकार परमात्मा जब आए हमें ये ज्ञान दिया करते थे कि जो साधना तुम कर रहे हो बच्चों ये ठीक नहीं, ये साधनाएं ऐसी हैं जैसे जैसा कर्म तुम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कई भक्त कहते हैं कि अभी परमात्मा एक तरफ तो ये कहते हैं कि जैसा तुम कर्म करोगे वो फल मिलेगा ही मिलेगा, तो जैसे हम दान पुण्य करते हैं तो क्या उनका फल नहीं मिलेगा जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये नाम नहीं उपदेश प्राप्त नहीं है जिनको पूर्ण संत से इस दास के अतिरिक्त किसी और साधना को जो कर रहे हैं, तो क्या वो नहीं मिलेगा जैसे क्या करते हैं कोई पक्षियों को दाने डाल देते हैं, कोई कुत्तों को रोटी डालते हैं, कोई कहीं जाकर के धर्म भंडारा कर देते हैं और इस प्रकार के जो पुण्य वो करते हैं क्या उनका फल नहीं मिलेगा। एक तरफ तो कहते हैं भगवान किसी का हिसाब रखता नहीं, सब जैसा कर्म करता वैसा देगा ही देगा, तो धर्म तो हम कर ही रहे हैं हमें भी फल मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको दिया हुआ पुण्य अवश्य मिलेगा लेकिन वो लाभदायक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा का आदेश विधान है गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। तो यहां कहते हैं कि एक तरफ तो भगवान कहते हैं भी पाओगा अपना किया रे जैसा करेगा वैसा मिलेगा, फिर यहां कहते हो गुरु बिन माला फेरते
और गुरु बिन देते दान, तो गुरु बिन दोनों निष्फल है। चाहे पूछो वेद पुराण, फिर जैसा कर्म किया वो क्यों नहीं मिला हमें? तो ये वाणी समझने की है। परमात्मा कहते हैं बिना गुरु बनाए जो तुम साधना करते हो वो कर्म किया हुआ मिलेगा अवश्य, लेकिन वो यूजलेस होगा। आप देखते हो एक कुत्ता डॉग और कार में बैठा है, मनुष्य ड्राइवर है और कुत्ता मालिक की सीट पर विराजमान है, और फिर उसके लिए अलग से एक कक्ष बनाया गया है जिसमें कूलर लगाया जाता है, आजकल देसी लान लग गई है, और फिर उसकी चिकित्सा, उसकी जो है जांच वेटरनरी सर्जन करता है, और उसको वो आहार समय पर दिया जाता है जो आम मेरे ख्याल मनुष्य को भी प्राप्त नहीं होगा, और एक नौकर स्पेशल लगा दिया जाता है उसकी, उसको नहाने धोने के लिए, सैर सपट्टा कराने के लिए। तो पुण्यात्माओं, उस पुण्य प्राणी ने जो आज कुत्ता बनकर वो इतनी सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, उसने दान धर्म किए थे, लेकिन गुरुबिन माला फेरी थी, गुरुबिन दिए दान, उसने ऐसे जो दान किया था उसको दान का फल दे दिया, वो धर्म जो किया था। अब वो सारी सुविधा कुत्ते के जीवन में दे दी, और यदि उसने पूर्ण संत गुरु बना रखे होते और गुरु के द्वारा दान करता तो उसको मनुष्य जीवन मिलता, और वो ही कार मिलती, सेवक मिलते, एसी कमरे मिलते, और मनुष्य जीवन में फिर कहीं ना कहीं परमात्मा की आवाज कानों में फिर लग जाती, जैसे आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त हो, ज्ञान सुना, किसी के माध्यम से आप तक संदेश मिला, भाग्याए, अब फिर शुरू होगी सकती भक्ति सटार ट्रिप का, पार हो जाओगे। और यदि अपनी मनमुखी साधना करते रहते हो, किया हुआ तो मिलता, लेकिन कुत्ते के जीवन में मिलता के फूक का सुविधा ने जब जन्म कुत्ता, और अगले जन्म सुअर बन जाए जब कौन सुविधा देगा, गंदी नाली में लौटेगा, रोड़े फोड़ फोड़ करेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये याद दिलाते हैं कि संत मिलन को चालियो, संत मिलन को चालियो, दिन में कई कई बारे, आसौज के मेह जो ये घना करें उपकारे। किस पूर्ण संत के मिलने के लिए दर्शनार्थ दाव लग जाते, दिन में कई कई बार चक्कर मारियो, और आसौज के मेह जो ये घना करें उपकार है। आसौज में जो वर्षा होती है वो क्या करती है कि जो पहले फसल बीज रखी होती है बाजरा और ज्वार, उसको तो वो प्रफुल्लित करती है, उसको तो पकाती है, और पहले बोया करते थे चने वगैरह, तो उसमें कहते फिर तुरंत आगे बोने का जो सीजन तैयार कर जाती थी। तो पुण्यात्मा इस प्रकार कहते हैं ये संत के दर्शन करने से आपको आसौज के मेह की तरह आपके ऊपर फल मिलेगा, जैसे आपके पिछले संस्कार हैं जो पुण्य है, जैसा ही प्रारब्ध है इसमें तो सुविधा देगा, इसमें तो आपको लाभ देगा, आपके पाप नाश करके सुखी करेगा और आगे की भक्ति करा देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वो भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातारे। सतगुरु के दरबार में कहते बार बार जाइयो, और जिस वस्तु को हम भूल चुके हैं उस परम पिता की भक्ति को और यथार्थ साधना को, कहते वो आपको वो वस्तु याद दिलाएंगे और वो यथार्थ भक्ति मार्ग दे देंगे, ऐसे सतगुरु हैं दातार। तो पुण्य भाग है आप जी के जो आप परमात्मा के चरणों में आए हो। क्या बताते हैं भगवान,
परमात्मा बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाहे, बिन साहेब की बंदगी कई ठोड़ ठिकाना ना। कहते जो पहले चले गए हमारे उन्नत तो दोबारा आके बताया नहीं हमारे गल के बीती आ गए, और जो शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे अपना शरीर छोड़ छोड़ के। कहते बिन परमेश्वर उस परम पिता की, बिन साहेब भगवान की भक्ति बिना किधर ठोड़ ठिकाना ना। जैसे कहते यहां से स्वर्ग चले गए को पुनकर्मी प्राणी है, स्वर्ग में पुनः समाप्त होते, जैसे यहां जबरदस्ती मृत्यु हो जाती है वहां भी जबरदस्ती छीन लिया जाता शरीर और नरक में धकेल दिया जाता है। नरक से फिर समय पूरा होते नरक का, फिर वहां से आगे धक्का दे दिया जाता है, गधा बन जाता है, गधे का जीवन पूरा होते फिर सूअर बन जाता है। कहते हैं सब चलो चलो ही रहती है, ठोर ठिकाना नहीं किसी जीव का। आगे गए न बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब यानी उस परम पिता की भक्ति बिन कितने ठोर ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास कर बंदगी बहोर न ऐसा दावे। ओए होए कहते फिर ये मौका नहीं मिलेगा मनुष्य जीवन, और फिर ये यथार्थ ज्ञान और ये पूर्ण प्रमाण और सत भक्ति आपको मिलगी। कहते बहोर नहीं ऐसा दावे। परमात्मा कहते हैं, गरीब दास जी कहते हैं, कबीर साहब कहा करते कि इव डट के करो भक्ति बहुत नहीं ऐसा दा। बोलो सतगुरु देव। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।